पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 4 जुलाई। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में घमासान मचा है एनसीपी के द्वारा। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अजीत इस समय बीजेपी और शिवसेना के साथ अपना महायुक्ति बनाने जा रहे थे, लेकिन शरद पवार ने दिया करारा झटका, उनके करीबी दरकिनार हो चुके हैं। बताएंगे इसके बारे में, बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से। वहीं चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, सीधा डिटेल मांगा है सुरक्षा बल का। बताएंगे इसके बारे में, धीरे धीरे हालात को सुधारा जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकल गया है और प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ कहा इसके बारे में बताएंगे। अगली एक और खबर निकल के आ रही, विपक्षी एकता को लेकर। एक तरफ देखा जाए विपक्षी एकता की डेट टली थी, लेकिन एक नई डेट सामने निकल के आ रही है, क्या कुछ ऐलान हुआ है बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हां, चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार को कितनी संपत्ति मिली है और क्या कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए कार्यालयों से तस्वीर हटाई जा रही है प्रफुल्ल की भी, और देखा जाए अजीत पवार की भी, साफ वीडियो में देख सकते हैं, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और बड़ी खबर, बागियों के खिलाफ सीनियर पवार का कड़ा एक्शन होने वाला है, 9 लोगों के खिलाफ अयोग्यता याचिका भी जाहिर हो चुकी है। सब खबरों को जानने वाले हैं विस्तार से। वहीं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है मध्य प्रदेश को लेकर, 230 सीटों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चाहे केजरीवाल हो या फिर बीजेपी या कांग्रेस, सब खबरें जानने वाले हैं करके विस्तार से। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस समय इंदौर से, बड़ी खबर, जहां पर देखा जाए तो महंगाई को लेकर जोरदार विरोध किया जा रहा है बीजेपी का। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, देखा जाए मणिपुर मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में किया जमकर विरोध, पीएम मोदी के चुप्पी पर भी सवाल उठे हैं, बताएंगे इसके बारे में। वहीं सेरा सरकार पर फिर से बोला कांग्रेस ने करारा हमला, 50% कमीशन वाली सरकार का परिणाम दिखाया सामने। सब खबरों को जानने वाले करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा निवेदन, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा, देश में फटाफट बड़ी अपडेट बनेगा। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस समय देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए एनसीपी कब्जा जमाने में जरूरी है। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, अजीत पवार ने बीजेपी और शिवसेना के साथ महायुक्ति बनाने जा रहे थे, लेकिन शरद पवार के करीबियों ने दरकिनार कर लिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही, देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में जारी ड्रामा अभी थमा नहीं है। रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद एनसीपी के दोनों गुट यानी अजीत पवार और शरद पवार एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। शरद पवार की एनसीपी ने जहां एक तरफ बागी नेताओं पर कार्रवाई करने का, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए पार्टी पर खुद का दावा ठोकने वाले अजीत पवार गुट ने शरद पवार के करीबियों को पद से ही हटा दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके साथ ही देखा जाए जो भी घोषणा की जा रही है, बीजेपी और शिवसेना अजीत पवार मिलकर महायुक्ति बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस महायुक्ति को भी लगता है एक संकट घेरने वाला है, वो है शरद पवार। शरद पवार देखा जाए तो महायुक्ति से जो भी शरद पवार के करीबी हैं वो दरकिनार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ जयंत पटियाला ने अपना सामने नाम रखा है, वो दरकिनार कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में महाराष्ट्र में एक और सियासी घमासान देखने को मिलेगा। जिस तरह से देखा जाए सभी को अयोग्य घोषित किया जा रहा है, जो भी देखा जाए एनसीपी को छोड़कर गए हैं बीजेपी में, ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल ने बड़ा दावा किया था, हमें जयंत पटियाला को नियुक्त किया था, हमें एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ये सब बातें ठीक रही। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद से हटाया गया, इससे नाखुश रहे थे इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, ये बड़ा दावा कर रहे हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लालच बस, और बीजेपी ने जिस तरह से बड़े बड़े लालच दिए इसकी वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्शन में है शरद पवार, उन्होंने 5 जुलाई तक सभी को अल्टीमेटम दिया है, सारे बागी नेता एग्जिट हो जाएं नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शरद पवार के लिए एक संकट घड़ी का समय है। दूसरी तरफ देखा जाए इसको लेकर विपक्षी एकता भी टाली गई थी, इसको लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और बड़ी खबर है इसमें, बताइएगा जो महायुक्ति बनाई जा रही है क्या वो कामयाब हो पाएगी या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर मणिपुर हिंसा से जुड़ी निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल मांगा है, जिस तरह से हिंसा चल रही है सरकार धीरे धीरे हालात को सुधारे, पीएम मोदी को फटकार लगाई गई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को भी फटकार लगाई है।
मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसा को रोकने के लिए उपाय पर अपडेटेड रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने हिंसा के दौरान बेघर हुए लोगों के पुनर्निवास के प्लान और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई को तय किया है। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य धीरे धीरे हालात सुधार रहा है। सरकार की तरफ से सोलिटरी जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है क्योंकि समुदाय ने आज ही नेशनल 2 हाईवे को खोल दिया था जो पिछले 2 महीनों से लगातार बंद चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ जरूरत के सामान पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सारे रास्ते भी खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं शांति बहाली की ओर मणिपुर बढ़ रहा है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा चलते एक और खबर निकल के आ रही है, विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में होने वाली है लेकिन उसकी तारीख में बदलाव किया गया था, लेकिन एक बार फिर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लोकसभा 24 की तैयारियों में जुटी विपक्षी दलों की दूसरी बैठक की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। जी हां, जानकारी के मुताबिक बताते चले कि विपक्षी दलों की बैठक 17 से 18 जुलाई के बीच बेंगलुरु में होने वाली। पटना में आयोजित बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों और कांग्रेस की ओर से आमंत्रित सभी नेता शामिल होने वाले। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ यह भी खबर निकल के आ रही कि जिस तरह से एनसीबी में करारी टूट देखने को मिली और जिस तरह से बीजेपी लगातार नेताओं के बीच नफरत फैला रही है, इन सारे मुद्दों पर भी बात करने वाली है कांग्रेस। और विपक्षी एकता में खास इसी मुद्दे पर बात होगा कि कोई भी बीजेपी के बहकावे में ना आए। ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं और ये सारी बातें हैं जो विपक्षी एकता में होने वाली हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अजीत पवार ने रुख किया, क्या इससे विपक्षी एकता सक्षम हो पाएगी, सफल हो पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार के पास कितनी संपत्ति है और क्या कुछ करारा झटका लग रहा है अलग होने पर। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी भूचाल आ चुका है। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ बगावत कर 8 विधायक संघ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा करने वाले अजीत पवार और उनकी पत्नी दोनों करोड़ों के मालिक हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के हलफनामे में अजीत पवार ने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा भी दिया था। जी हाँ, हलफनामे के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कुल संपत्ति 105 करोड़ है। इसके अलावा उनके पास 3 कारें, 4 ट्रॉली और 2 ट्रैक्टर भी हैं। ये सारी बातें निकल के आ रही है। अजीत पवार के पास कई जमाने की कुल संपत्तियां 50 करोड़ रुपए हैं। देखा जाए तो 13,90,000 रुपए सोने व चांदी के जेवर भी उनके पास हैं। वहीं देखा जाए अजीत पवार की पत्नी के पास 61,56,000 के जेवर। ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं और देखा जाए तो अच्छा खासा पैसा इन्होंने जमा किया है। ये सारी खबरें निकल के आ रही है। आप अजीत पवार को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बागी तेवर दिखाए हैं, इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आई, बागियों के खिलाफ सीनियर पवार का एक्शन होने वाला है। अजीत पवार समेत 9 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया। बड़ी खबर निकल के आई, महाराष्ट्र के एनसीबी नेता अजीत पवार ने रविवार को 2 जुलाई को राजनीतिक कदम उठाया है और इस दौरान उन्होंने हैरान करने वाला काम किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में अपनी अगली राजनीति पारी शुरू कर दी है तो चाचा शरद पवार से साफ कर दिया कि वो बगावत का रुख अपना चुके। उन्होंने कहा कि वे दिखाएंगे कि एनसीपी किसकी है और किस महाराष्ट्र में एनसीपी का अध्यक्ष जयंत पटियाला को बताया गया था। अजीत पवार उनके साथ शपथ लेने वाले एनसीपी के नेताओं के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। जी हाँ, अल्टीमेटम दे दिया गया है, 5 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। 2 जुलाई की राजनीति काफ़ी ज़्यादा हलचल वाली रही, जिस तरह से आपने देखा कि 8 विधायकों के साथ उन्होंने शिंदे गुट को अपनाया अजीत पवार ने और डिप्टी सीएम पद की भी शपथ ले ली है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट पर चलते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपना डंका बजाया है। तैयारियों में जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस जुटी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी रैलियां कर रहे हैं। ग्वालियर में उन्होंने फिर से रैली की और तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 230 सीटों पर होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। इसको लेकर कांग्रेस समेत देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी सक्रिय होती जा रही है। वहीं देखा जाए पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में जोरदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी अपनी किस्मत देख रही है और 117 सीटें जीती थी वो मध्य प्रदेश में। और देखा जाए इसी के तौर पर वह खासकर मध्य प्रदेश में भी अपना दमखम दिखाना चाह रही है। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत, दिल्ली में देखा जाए तो जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की उसको लेकर कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन कर रही है और प्रधानमंत्री के खामोशी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, दिल्ली में आपको बताते चले एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले आप देखेंगे कि पहलवानों के मुद्दों पर ही केवल प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आज
प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर राज्य में कांग्रेस ने पूरी तरह से भाजपा को जकड़ कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। मणिपुर हिंसा को रोकने में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। वहीं देखा जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें करारी फटकार लगाई थी। विपक्षी दलों ने ऐसे प्रदर्शन कई साल के बाद देखने को मिल रहा है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जबकि देश में बेरोजगारी महंगाई परेशान कर रखी है, नकारा सरकार को जगाने के लिए उचित तरीका सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन हो सकता है। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं और प्रदर्शन होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 2.5 महीनों से हिंसा भड़की है मणिपुर में और इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं ना कहीं देखा जाए देश को खाई में ढकेल रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर यह साफ हो चुका है कि 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार है। शिवराज सरकार के अफसरों ने 83 करोड़ का काम 731 करोड़ रुपये में करवाया है। 50% कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार है। शिवराज ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका पूरा ब्यौरा दिया है, आपको पढ़ के ज़रा बताना चाहेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने IOW से मांगी है रिपोर्ट। मायरलॉड अफसरों ने आपदा के अवसर पर ढूंढा। 83 करोड़ का काम था, वहाँ पर 731 करोड़ रुपए लग रहे हैं। हाईकोर्ट की युगल पीठ के अंचल में 2021 में बाढ़ से ग्रसित बांध नहर तालाबों की मरम्मत बजट 8 गुना बढ़ाकर दायर किया गया था याचिका। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले किस तरह से लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। स्क्रीनशॉट आपके सामने है, पूरा ब्यौरा दिया गया है किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया था। देखा जाए शिवपुरी में 22 करोड़ रुपए कहा गया, जबकि केवल और केवल 83 करोड़ रुपए का हल्फनामा था। मुनैरा में केवल और केवल देखा जाए तो 3.0 करोड़ रुपए लग रहे हैं, यानी 3 करोड़ रुपए। कुल राशि देखा जाए तो 731 रुपए हो रही है। ये काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है बीजेपी द्वारा, इसका पूरा जांच कराएगी कांग्रेस। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महंगाई को लेकर इस समय बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से लगातार महंगाइयाँ आसमान छू रही हैं, हरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है महंगाई को लेकर, और जो खाने वाली पीने वाली चीज़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है, GST लगा दी गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है। पहले भारी गर्मी, फिर बारिश और अब फसलों के नुकसान की वजह से लग रहा है कि सब्जियां महंगी हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। सब्जियों के उत्पादन में 70% कमी आई है, टमाटर 100 रुपये पार हो चुका है, अदरक 250 रुपया किलो पार पहुँच चुका है। ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सिसोदिया को बेल मिलेगी या नहीं, शराब घोटाले में ईडी के केस में दिल्ली में होने वाली है बड़ी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर शराब घोटाले केस में प्रवर्तक निदेशालय ईडी के मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने जा रही। अदालत आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिषेक बोईपल्ली शराब कंपनी रोड रिकॉर्ड मैनेज विनय बाबू पर जमानत याचिका दायर की गई है, और जल्द ही ये खबर निकल के आने वाली है कि आखिर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल रही है या फिर अभी जेल में ही रहने वाले हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ तेलंगाना से बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल ने किया है बड़ा दावा। उन्होंने बताया KCR का रिमोट कंट्रोल PM मोदी के हाथों में है, वो जितना कहेंगे उतना ही काम होने वाला है। तेलंगाना के CM KCR पर जमकर बरसे राहुल गांधी, पूरी तरह से बताया केवल और केवल रिमोट इस समय प्रधानमंत्री चला रहे हैं KCR का, इसीलिए तेलंगाना में काम नहीं हो रहा। इसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जैसे ही उन्होंने सिंधे गुट को शामिल किया, प्रफुल्ल पटेल तुरंत उनकी तस्वीरों को दफ्तर से हटा दिया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं NCP के दफ्तर से प्रफुल्ल और देखा जाए अजीत की तस्वीरें हटना शुरू हो चुकी है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, इन तस्वीरों से नहीं बल्कि देखा जाए तो सारे कागजों से भी हटा देना चाहिए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, महबूब ने करारा हमला बोला, कहा बीजेपी भ्रष्टाचार एक पार्टी है और वो सभी नेताओं को भ्रष्ट कर रही है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर करारा हमला बोला महबूब ने, उन्होंने बताया बीजेपी केवल और ईडी और CBI के सहारे चल रही है, जिस दिन वो ईडी और CBI की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रही है उसी दिन बीजेपी का सफाया हो जाएगा। यह बड़ा दावा किया जा रहा है महबूबा मुफ्ती द्वारा,
वैसे मवूद की जो बातें कह रही हैं कि ईडी और सीबीआई केवल और केवल बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं बताइएगा क्या बीजेपी केवल और केवल ईडी और सीबीआई के सहारे चल रही है, और ईडी सीबीआई के जरिए जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियों को डराया धमकाया जा रहा है, ये कितना जायज़ है और कब तक ऐसा चला पाएगी, और क्या लोकसभा चुनाव के 24 में बीजेपी की एंट्री हो पाएगी या नहीं, जिस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते हैं, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर, जी हाँ, समान नागरिक संहिता को लेकर अब सिखों ने किया इसका जमकर विरोध प्रदर्शन। देश में देखा जाए समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के बीच अब सिख समुदाय ने और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी, और इस बीच देखा जाए तो वो अपना एक नया पर्सनल लॉ बोर्ड बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो समान नागरिक संहिता बनने वाला है, और इसी तौर पर अब चाहते हैं कि सिख पर्सनल लॉ बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। वैसे क्या यूसीसी पर जिस तरह से अलग अलग समुदाय अपना रुख सामने रख रहे हैं, ये कितना जायज़ है, और क्या सभी को अपना कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है या फिर सरकार समान रूप से कानून व्यवस्था बनाकर उसे आगे बढ़ाए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते हैं, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बागपत से खबर निकल के आ रही है, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो चुकी है, थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाया जा रहा है, परिजनों ने रोड पर लाश को रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बागपत से खबर निकल के आ रही है, बेहद खबर जानना जरूरी है। बागपत में एक बार फिर खेड़ा थाना के बीच रहलोट गांव में 28 वर्षीय युवक की पुलिस की पिटाई से मौत हो चुकी है। आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से युवक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के समय उसकी मौत हो चुकी है। शव को बीच चौराहे पर रखकर घंटों हंगामा किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना भी बाकी है। वैसे आपकी क्या राय है, जिस तरह से पुलिस के थर्ड डिग्री टॉर्चर से मौत हो जा रही है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर मुद्दे को लेकर सीएम एन वीरेन का बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि विदेशी ताकतों के जरिए लगातार हिंसा जारी है, इसमें कहीं ना कहीं चीन का हाथ बताया जा रहा है। इससे पहले देखा जाए तो शिवसेना गुट के यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी बड़ा दावा किया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। मुख्यमंत्री एन वीरेन ने कहा कि 3 मई से राज्य में फैली हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ इससे पहले संजय राउत ने भी बड़ा दावा किया था कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हैं, इसीलिए हिंसा थम नहीं रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, जिस तरह से हिंसा बढ़ गया और जब तक प्रधानमंत्री नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने समय तक एक ही राज्य में हिंसा नहीं बढ़ा सकती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। वैसे आपको पता चले 5 जुलाई तक इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस खास बड़ी बस इतना ही, मिलेंगे आप बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।